नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और स्वागत है आपका मेरे चैनल देव MTR में। तो दोस्तों, मेरे सामने खड़ी है सेवरले वीट कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेवरले वीट कार आपको 2010 मॉडल से लेकर 2017 मॉडल तक आपको कितने रुपए में खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ इस गाड़ी के और इस मॉडल के प्राइस के बारे में ही डिस्कस करूँगा। बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं, तो ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग सेवरले वीट कार खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये कंपनी सेवरले कंपनी इंडिया से जा चुकी है 2017 में। तो बहुत लोगों के मन में इसकी सर्विस को लेकर और इसके स्पेयर पार्ट्स को लेकर दिक्कत होती है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि रिसेंटली मैं सेवरले कंपनी के मेट्रो सिटी में अभी भी सर्विस सेंटर ओपन है, लेकिन इन्होंने अपनी सर्विस जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी दे रखी है, तो वहाँ से भी आप इसकी सर्विस करा सकते हो, स्पेयर पार्ट्स खरीद सकते हो। तो ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो। तो दोस्तों, ये तो 2010 मॉडल है, दिसंबर 2010 मॉडल। इसको मैंने सिर्फ 75,000 में ख़रीदा था, लेकिन अगर आपको पास ऐसी कोई डील आती है, कोई बंदा 1.5 लाख मांगता है, कोई 2 लाख मांगता है, तो आपको कितने पैसे देने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा पेट्रोल वर्जन के ऊपर। ये मॉडल 2010 से स्टार्ट होता है और 2017 पर ख़त्म होता है। अगर आपको दोस्तों 2010 मॉडल और 2011 मॉडल की सेवरले वीट कार पेट्रोल में मिल रही है, तो आप उसको 65,000 से लेकर 65,000 से लेकर 90,000 तक हाईएस्ट ले सकते हो, अगर कंडीशन अच्छी है तो। गाड़ी में पैसा बिल्कुल भी लगाना नहीं है, तो इससे ज़्यादा आपको एक रुपया भी ज़्यादा देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं जो पैसे बता रहा हूँ वो मार्केटिंग वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ। कल को अगर आप गाड़ी ख़रीद लेते हो तो आपको बेचने में भी वही प्राइस मिल जाए जो आपने ख़रीदा है। अब बात करता हूँ दोस्तों 2012 और 2013 मॉडल की। अगर आपको बीट मिल रही है तो वो आपको 90,000 से लेकर और 1,10,000 के बीच में आप ख़रीद सकते हो, डिपेंड करता है कंडीशन के हिसाब से। तो दोस्तों, बात करता हूँ 2013 और 14 मॉडल की। अगर आपको बीट कार मिल रही है तो आप उसको 1,10,000 से लेकर 1,30,000 या 1,40,000 तक ले सकते हो, बंदा जेन्युइन हो, फर्स्ट ओनर हो, गाड़ी में डेंट पेंट का काम ना हो, इंजन में काम ना हो, तो आप उसके हिसाब से उसको हाईएस्ट प्राइस 1,40,000 पे दे सकते हो, मिनिमम 1,10,000। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ आपसे 2014 मॉडल और 2015 मॉडल की सेवरले वीट कार आपको मिल रही है पेट्रोल में, तो आप उसको 1,25,000 से लेकर 1,50,000 या 1,60,000 तक के बीच में ले सकते हो, डिपेंड करता है कंडीशन के हिसाब से। अगर कंडीशन अच्छी है, बंदा जेन्युइन है, सब चीज़ रेडी है, कोई भी आपको गाड़ी में पैसा नहीं लगाना, तो आप उसको 1,50,000 तक ले सकते हो, 1,50,000 तक। और दोस्तों, आपको अगर 2016 मॉडल और 2017 मॉडल की अगर आपको वीट मिल रही है तो आप उसको 1,40,000 से लेकर और 2,40,000 या 2,20,000 तक उसको हाईएस्ट ले सकते हो। 2015, 16, 17 मॉडल की गाड़ी को आप 2,50,000 तक ले सकते हो, 2,20,000 से ज़्यादा आप कोशिश करो कि आपको पैसे ना देने पड़े, उससे ज़्यादा आप डील कर रहे हो, उससे ज़्यादा पैसे आप बिल्कुल भी मत फेंकना, क्योंकि इतना तो आप जानते हो कि कंपनी इंडिया से जा चुकी है और स्पेयर पार्ट्स की थोड़ी सी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन मार्केटिंग वैल्यू के हिसाब से मैंने आपको 2,25,000 रुपये बता दिए हैं 2015, 16, 17 मॉडल के। 1,40,000 से लेकर 2,20,000 तक के बीच में आप उस कंडीशन की गाड़ियों को खरीद सकते हो। अब दोस्तों, मैं आता हूँ सेवरले वीट अगर आप डीजल में ले रहे हो, डीजल वर्जन में, तो ये गाड़ी आपको 2011 मॉडल से लेकर 2017 मॉडल तक आपको इसका मॉडल मिल जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, दिल्ली NCR में 10 साल पुरानी डीजल कार बैन है, आप उनको चला नहीं सकते हो, लेकिन अगर आप किसी दूसरे राज्य में अगर आप चलाना चाहते हो तो उसकी NOC दिल्ली RTO से कटवा कर आप किसी अदर स्टेट में उसको ट्रांसफ़र करा सकते हो और उसको चला सकते हो। तो दोस्तों, 2011 मॉडल की गाड़ी डीजल में आप कभी भी मत खरीदना अगर आप डीजल की गाड़ी खरीदना चाहते हो। अगर दोस्तों आप कोई भी डीजल की कार खरीद रहे हो तो कम से कम 2012 या 2013 मॉडल से ऊपर की गाड़ी खरीदो, या 4 या 5 साल पुरानी डीजल कार खरीदो, क्योंकि डीजल का जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सर्विस तो कम रुपए में हो जाती है, लेकिन उसके इंजन के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। तो दोस्तों, डीजल में अगर आपको बीट मिल रही है तो 2012 और 13 मॉडल लेना। 2012-13 मॉडल को आप 80,000 से 1,00,000 के तकरीबन ले सकते हो, उससे ज़्यादा पैसा देने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, अगर आप
2013 या 14 मॉडल ले रहे हो तो उसको भी आप 1,25,00,000 के अंडर में ले लो, उससे ज़्यादा देने की आपको ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल की जो रीसेल वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि 10 साल बाद जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सिटी में जहाँ मेट्रो सिटी होती है वहाँ पे डीजल कार को बैन कर रखा है, तो डीजल कार में डीजल में ये गाड़ी आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी पेट्रोल के मुकाबले। और दोस्तों अगर आपको 2015 और 16 और 17 मॉडल की बीट कार मिल रही है तो आप उसको 2,00,000 से 1,00,000 1.5 लाख से लेकर 1,90,000 या 2,00,000 के बीच में ले सकते हो, इससे ज़्यादा पैसा आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ डीलरों के, अगर आप डीलर से गाड़ी खरीदने जाते हो तो शेवरलेट बीट वी अगर आप डीलर से लेते हो तो 2010-11 मॉडल वो आपको तकरीबन 1 से 1.25 लाख रुपये की देगा, और डीजल में अगर आप लेते हो 2011-12-13 मॉडल तो वो आपको 1.25 लाख रुपये में आराम से दे देगा डीलर। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने शेवरलेट वीट कार को ख़रीदने के लिए प्राइस बताए थे। तो दोस्तों बात करूँ इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स की और सर्विस की, मैंने आपको बता दिया है किसी किसी मेट्रो सिटी में जैसे कि दिल्ली में, गुड़गांव में अभी भी इसके जो सर्विस सेंटर हैं शेवरलेट के खासकर अभी भी ओपन है, और शेवरलेट वालों ने इसकी जो सर्विस का जो सर्विस करने का जो ब्यौरा है, जो पूरा जो टाई अप कर रखा है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा से कर रखा है, तो आप महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी सर्विस करा सकते हो, वहाँ पे भी आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। दिल्ली NCR में आपको बिल्कुल भी आसानी से पार्ट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे देव MTR चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस कर देना बेल आइकन को, जिससे कि इस मेरे चैनल की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जा सके।